नमस्कार, माय नेम इज प्रोशन एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद प्रोशन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जो बिल्कुल फ्री में है, उस टेलीग्राम चैनल में किस तरह से कॉल दिया गया था। आज देखिए, हमारा इस चैनल में एक या दो कॉल ही दिया जाते हैं पर डे, ठीक है, जो कि प्रॉफिटेबल कॉल है। एक कॉल में स्टॉप लॉस हो जाता है तो दूसरा एक बढ़िया कॉल दिया जाता है, अदरवाइज नहीं। देखिए, हमें लगता है बैंक निफ्टी का एक कॉल में आपको 30-50 पॉइंट एक दिन में मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अगर आप 20,000 लगा के उसमें से आपको पर डे एक 2,000 अर्निंग हो रहा है तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकते है? तो चलिए देखते हैं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल में किस तरह से कॉल दिया गया था। देखिए, गुड मॉर्निंग दिखाया गया था, उसके बाद वॉच बैंक निफ्टी 40,500 का पी, ठीक है। इसका बाइंग प्राइस था 220 से लेकर 215 से बाइंग प्राइस था, और टारगेट फास्ट टारगेट था आपको 240, ठीक है। एसएल था 205। इसका देखिए एक मिनट, 11:06 पर आपको एक कॉल दिया गया था और 11:10 पर आपको सेकेंड टारगेट भी दिखाया गया था। इसका जो टारगेट हिट हुआ है 11:30-11:34 के बीच में आपको ये टारगेट दिखा दिया था, ठीक है। उसके बाद और कोई कॉल नहीं दिया गया इस चैनल के अंदर। तो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। 15 मिनट के चार्ट फ्रेम के ऊपर हम बात करेंगे अभी, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट फ्रेम के ऊपर बात करते हुए अब देख पाएंगे, देखिए सुबह एक गैप अप ओपन हुआ बैंक निफ्टी, गैप अप ओपन होकर थोड़ा सा हाई जाके ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है। यही से सीधा शार्प रैली दिखाया है आपको डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में शार्प रैली दिखाते हुए आपको सपोर्ट कहाँ पे मिला है, 40,249 पे एक सपोर्ट मिला है, सपोर्ट देके ये जो हैमर कैंडल बना है, एक देखिए जो है हैमर, आपको टारगेट दिखा है, टारगेट दिखा के पी साइड में फिर से पी साइड थोड़ा सा रिट्रेस्ट लिया है, अभी मार्केट क्लोज हो चुका है। तो चलिए बैंक निफ्टी अगर एक्सपायरी डे आपको थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन दिखने को मिले, शायद ग्लोबल मार्केट की वजह से आपको थोड़ा सा गैप डाउन दिखा सकता है, ये बिल्कुल सही बात नहीं कर पाएंगे हम, गैप डाउन या गैप अप होगा या नहीं। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसके बारे में हमारा टेलीग्राम चैनल जो है टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया जाएगा। अभी देखते हैं अगर इस लेवल पे अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है कल मार्केट 9:15 में, तो आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे रहना चाहिए, कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है थोड़ा सा, कौन से आपको जोन होगा नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए हम ट्रेडिंग करेंगे कल एक्सपायरी डे में, ठीक है। अगर देखते हैं अगर मार्केट इस प्राइस के आसपास ओपन होता है 40,350 या 80 के आसपास ओपन होता है, फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मिल सकता है आपको 40,500 में एक फर्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है, और ये जो जोन है आज इस जोन में थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद गिरा है मार्केट, इस जोन में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे हम। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है 40,682 का लेवल ब्रेक होके एक कैंडल सस्टेंस हो जाता है, उसके बाद हम बाइंग साइड में ट्रेड ले सकते हैं, फोर्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड तक जा सकता है, ठीक है। ये जो सेकेंड रेजिस्टेंस है आपको 40,900 में दिखा रहा है अभी, अगर थोड़ा सा डाउन की तरफ आता है इसके आसपास ओपन होके 40,350 या
40,400 के आसपास ओपन होता है मार्केट। अगर थोड़ा सा डाउन की तरफ आता है तो ये जो सपोर्ट लेवल रहेगा आपको 40,224 का सपोर्ट रहेगा। ये लेवल अगर ब्रेक कर देगा और ब्रेक करने के बाद एक कैंडल सस्टेंस करेगा इसके नीचे, तो आपको सेकेंड टारगेट देखने को मिलेगा 40,144। ये जो शार्प रैली आपको देखने को मिलेगा करीब करीब 100 पॉइंट का शार्प रैली आपको देखने को मिलेगा। ये लेवल ब्रेक कर देगा, बहुत बढ़िया फॉल आपको देखने को मिलेगा एक बार, ठीक है। 39,986 तक आपको थर्ड जो टारगेट है थर्ड टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए बैंक निफ्टी का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में रखे हुए बेल बटन को हिट कर दीजिए।